रण में दोनों सेनाओं की तरफ से शंखनाद कर दिया गया है, रणभेरी बज चुकी है और सेनापतियों को तैयार कर दिया गया है और मैदान में जंग ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने दो बार में 124 सैनिकों को मैदान में अपनी अपनी पोजीशन दे दी है, तो कांग्रेस ने भी अपने 33 सैनिकों को मैदान में दूसरी तरफ पोजीशन दे दी है और बज गई है राजस्थान के चुनाव मैदान में रणभेरी। देखिए रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में पार्टी ने 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, दिव्या मदेना, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे तो सचिन पायलट टोंक से, ममता भूपेश सिकराई और दिव्या मदेना ओसिया से चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। पहली सूची में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। शानदार सूची आई है, जिन जिन लोगों के नाम आए उन सबको मेरी तरफ बधाई। कार्यकर्ताओं में शानदार जोश है, आम मतदाता इस बात का इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट हो और तमाम हमारी योजनाएं वापस चले और इन योजनाओं में और बढ़ोतरी हो। इस उत्साह के साथ हमारे वर्कर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली 33 प्रत्याशियों वाली सूची में 29 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है और 27% महिलाओं को टिकट देने के अपने वादे को भी पूरा किया है। पहली सूची में सचिन पायलट खेमे से 5 टिकट प्रत्याशियों को मिले हैं। खुद सचिन पायलट के साथ विराटनगर से इंदिराज सिंह गुर्जर, लाडनू से मुकेश भाकर, परबतसर से रामनिवास गावड़िया को टिकट मिला है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को मांडलगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री साहब ने 156 का नारा दिया था और हम 171 सीटें जीत रहे हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद देंगे कि शहर से विकास की पर्याय हमारी आदरणीय विधायक मनीषा जी पवार को उन्होंने टिकट दिया है और हम विश्वास दिलाते हैं कि रिकॉर्ड मतों से हम इसको जीतेंगे। इस बार उन्होंने, मैं सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इन पे वापस विश्वास जताया है और पिछली बार हर जगह विकास कार्य बोलता है, काम बोलता है। अभी मैं शहर विधायक मनीषा पवार जी ने शहर विधानसभा के अंदर इतना विकास कराया है कि अब उनको जैसे घर घर जाने की जो इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है और वो जनता उनको सीधा उनको चुन के लाएगी और भारी मतों से हम उसको जिता के लेके आएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार 70 साल से ज्यादा के उम्र के भी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी शामिल हैं। इधर पहली लिस्ट पर गौर करें तो 33 में दानिश अबरार एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। दानिश को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हारे हुए उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया है। कुशलगढ़ से निर्दलीय जीती रमीला खड़िया, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ पिछला चुनाव जो हार चुके थे इन्हें फिर से मौका दिया गया है। तो ये पता था कि मैं तीसरा चुनाव लड़ूंगी, इसके बावजूद मुझे प्रत्याशी बनाकर के मैदान में उतारा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और मैं समझती हूँ उपलब्धि मेरे सभी साथियों की, जिन्होंने मेरे साथ निरंतर 5 वर्षों तक कोविड काल से लेकर अब तक कदम ताल की, जनता के बीच में रहे, परंपरागत रूप से दूसरी पार्टी के प्रति आकृष्ट जो सीट है उसने हमें कांग्रेस का स्थान बनाया। धन्यवाद देता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता को, एक जिसने 5 साल संघर्ष किया है, एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने जो आज टिकट के रूप में नवाजा है और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि सांगानेर में हम लोग इस बार इतिहास रचेंगे। सीएम गहलोत ने तो कल दौसा में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान ही 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, जिनमें 4 कांग्रेस के वर्तमान विधायकों और 5वां टिकट महवा विधानसभा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को देने की बात कही थी। 2030 वो सपना आप देखा होगा, करीब 3,32,00,000 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, 3,25,00,000 लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कहना चाहूंगा ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप 4-5 विधायक जो हमारे हैं इन सबको आप, मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री,
मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जिया खटाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं। आप पांचों विधायक को भेजा जिता के भेजो, ये मेरी आपसे मार्मिक अपील रहेगी। कांग्रेस की पहली सूची में युवाओं, नए चेहरों और महिलाओं को मौका दिया गया है। 26 प्रत्याशियों की उम्र 50 वर्ष से कम है, 16 की उम्र 45 से भी कम है और 33 नामों की सूची में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ब्राह्मण, राजपूत, जाट और गुर्जर का कॉम्बिनेशन पहली सूची में ही देखने को मिल गया है। फिलहाल कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करके शंखनाद कर दिया है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर नामों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। राजस्थान के रण में